मैं अपने दर्शकों को बता दूं, बड़ी खूबसूरत फिल्म बनी है झलकी, जो कि बच्चों की एक कहानी है। उसमें एक सुनिधि ने अपनी खूबसूरत आवाज देकर उसको और खूबसूरत बनाया। जोरदार तालियां उसके लिए। आप सबको पता होगा सुनिधि ने रियो में और सन ऑफ राम में एनिमेटेड फिल्मों में अपनी आवाज दी। बहुत मल्टी टैलेंटेड है। इनके कई ऐसे टैलेंट और भी जो आप नहीं जानते। मैंने भी अभी सुनिधि आपकी तर्ज पे आई जस्ट डिड इट फॉर एंग्री बर्ड्स। नाइस। और भी हॉलीवुड के रेड या मोर ऑफर्स आर कमिंग फ्रॉम हॉलीवुड। इट वॉज माई ओन प्रमोशन। अभी हम बात करते हैं झलकी की। और किस किस की आवाज निकाल लेती सुनिधि आप? नहीं, मुझे किसी की आवाज नहीं निकाली। हमने बहुत बार देखा है। वो एक जमाना था। नहीं निकालनी फिर किसी की आवाज? छोड़ दो। वो सलमान जी की आवाज तो निकाल दो एक प्लीज। ऐसे ना करो। एक ही। हाँ एक बस। एक ही। हाँ एक टाइम पे एक ही। दिल के अरमां आंसू बह गए। हम वफा करके भी तन्हा रह गए। दिल के अरमां आंसू बह गए। क्या बात है, इतनी खूबसूरत परफॉर्मेंस देख के मेरे सलमा जी कितनी खुश होंगी आपको सुनते देख के। लव यू सुनिधि। आपको पता है अर्चना जी को भी गाना सुनना बहुत पसंद है। वे गाती भी है। ये तो मैंने मालूम। अर्चना जी आज एक लाइन तो आपसे भी सुनेंगे आज। अरे टीम बोल रही है सारी। तो दर्शकों आप सबकी जोरदार फरमाइश ना होने के बावजूद भी हम अर्चना जी से दो लाइनें सुनना चाहेंगे। अजय जो आपका मन करता है। तो एक दिन तेरे साथ गाऊंगी ना यार, तब मजा आएगा। क्यों ना हो जाए। हाँ एक कुछ भी गा दो अर्चना, दो लाइनें गा दो आज। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, जान लीजिए, बस एक बार, बस एक बार, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। ये चीज क्या आप जान लीजिए। बहुत सुनिधि, जैसे ना हमने थोड़े दिन पहले किशोरदा का जन्मदिन मनाया था, तो उनके बेटे जो थे अमित कुमार जी वो आए थे, तो बड़े सारे उन्होंने किस्से सुनाए थे। उनमें से एक किस्सा ये था कि जब तक किशोरदा जो है वो उनको पैसे की झलकी नहीं मिलती थी ना चेक की, वो सुर नहीं पकड़ते थे। आपका भी कोई ऐसी पॉलिसी है कोई? नहीं, बहुत दुख की बात है, बट गा लेती हूँ जो भी जहाँ भी जो बोलते हैं गा ही लेती हूँ। तो फिर जी वेल प्लेड कपिल, वेल प्लेड। सुनो ना कहीं क्या, सुनो ना दिल मेरा, सुनो ना, हाय हाय, सुन लो जरा तेरी बाहों में, मुझे रहना है रात भर तेरी बाहों में, होगी सुबह बेइंतहा। Oh,
आप सबको पता ही होगा क्योंकि जब भी नेशनल अवार्ड किसी को मिलता है तो ये खबर जंगल की आग की तरह फैलती है पूरी, क्योंकि बड़े सम्मान की बात होती है। दिव्या जी को जैसे पिछले साल मिला ना इरादा के लिए जी, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का, बहुत बहुत बधाई हो आपको। दिव्या जी आपको पता है थोड़े दिन पहले विक्की कौशल आए हमारे शो पे, हमने एक एपिसोड शूट किया, वो बाहर गए, उनको नेशनल अवार्ड मिल गया। फिर आयुष्मान खुराना आए, उनके साथ एक एपिसोड शूट किया, वो बाहर गए, उनको नेशनल अवार्ड मिल गया। बाहर गए, आप ऑलरेडी लेके आई हैं। मैं अभी बाहर जाती हूँ। आपको अभी मुझे लगता है आप ऑस्कर लेके आएंगे, क्योंकि नेशनल अवार्ड तो आपको ऑलरेडी मिल चुका है। सही बात है, मतलब एक एग्जांपल मैं सेट कर देती हूँ, राइट? तो मैं निकलू? नहीं 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 नहीं, हो सकता है आपको मिल जाए। बड़ी मुश्किल से हाथ आई है आप, ऐसे कैसे? बिल्कुल, आप बड़ी प्यारी हो दिव्या जी। थैंक यू कपिल, थैंक यू सो मच। कुछ और कहना चाह रहे हैं आप? नहीं नहीं, माय प्लेजर। आज आपका जैकेट बहुत खतरनाक है, तो मुझे खतरनाक है, डेंजर साइन इन ए गुड सेंस, और वो आप खुद देख लें, मतलब हमारा ऐसा क्या करें दिव्या जी। वैसे तो हमारे प्रोड्यूसर सलमान खान है जी। मैं आपको सलमान की एक बात बताऊं जी, जब मैं आई थी ना मुझे मरना नहीं आता था। फिल्मों में मरना नहीं आता, दुश्मन। उस फिल्म में मुझे मरना था और मुझे नहीं आता था। अच्छा जी। तो मुझे सांस ही नहीं रोकना आता था कि सांस कैसे रोकते हैं, तो आई एम क्लॉस्ट्रोफोबिक, तो मैं फट से ऐसे गैस्प करती थी ब्रेथ के लिए। तो किसी ने सलमान को कहा कि वो जो नई लड़की आई ना उसको मरना नहीं आता। तो सलमान का बैकअप हो गया था, वो बेचारे वापस आए, उन्होंने कहा मैं जैसे जैसे करता हूँ ना तुम ऐसे वैसे करना। तो एक तो सलमान थे, आई हैड अ ह्यूज क्रश ऑन हिम, तो वो सामने बैठे मर के दिखा रहे हैं, तो कैसे नहीं मरूंगी ना। सो ही आई एक्चुअली लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम दैट, एंड आई थिंक सबसे बेहतरीन को एक्टर्स में से सलमान रहे हैं। ये तो है। संजय सर की एक फिल्म थी आई एम जी 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 सर, उसमें मैंने सुना बहुत सारे प्रोड्यूसर थे। 400? हाँ जी 400। मंथन के बाद सबसे बड़ी क्राउड सोर्स्ड फिल्म थी। वाओ। सो वो हमने इकोनॉमिक क्रैश हुआ था, मेरे जो बिजनेस पार्टनर ओनर जो निर्देशक भी हैं फिल्म के जी, हम बैठे हुए थे डिप्रेस से दोनों, एंड हमारे पास पैसे नहीं थे। चार 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 16 दिन में हमने पूरी फिल्म शूट करनी थी। वाह। बेंगलोर तब कहलाता था, बेंगलुरु, वहाँ पर हम शूट कर रहे थे। 4 दिन का बजट था, 4th दिन बारिश पड़ गई। अब पैसे नहीं थे तो हम, फेसबुक नया नया शुरू हुआ था, तो हमने लिखना शुरू किया कि डिप्रेस, फीलिंग लो वगैरह वगैरह। वहाँ पे एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कितने लोग हैं सेट पे? हमने कहा 70-75। कहते मैं लंच भेज रहा हूँ तुम सबके लिए। वाह। उन्होंने सो वो sweet. और सो वैसी चीज़ें हुई और बहुत हौसला अफजाई हुई, और जाके उस फिल्म ने राष्ट्र पुरस्कार भी जीता। Ooh. तो एक बहुत ही फीलिंग ऑफ ग्रेटिफिकेशन मिली। पर सर उसमें 400 प्रोड्यूसर थे, जब राष्ट्रीय पुरस्कार मिला उसको, सारे के सारे गए थे राष्ट्रपति भवन? 400 नहीं जी, जो मेन दो प्रोड्यूसर, लीड प्रोड्यूसर थे मैं। अच्छा। और ओनर हम okay. दो गए थे। पर कितनी अच्छी बात है ना सर, कितनी मुश्किलों के बावजूद एक फिल्म बनी लेकिन उसको नेशनल अवार्ड मिला जी। यस, अच्छी जो नियत से चीजें बनती हैं, उन सब लोगों की दुआ थी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.